दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक फ्रेंच ऑथर गुस्टावी फ्लॉबेर की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस नोवेल मैडम बावरी। दोस्तों ये जो नोवेल है ये इनकी शुरुआती नोवेल थी, लेकिन शुरुआती नोवेल होने के बावजूद बहुत ही फेमस है। क्रिटिक्स ने इस नोवेल को बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा है कि ये जो नोवेल है इसके बिना मॉडर्न लिटरेचर एकदम अधूरा है। ये एक रियलिस्टिक नोवेल है और इसकी प्लॉट की खूबसूरती को देखकर क्रिटिक्स ने इसको बहुत ही पसंद किया है दोस्तों। और दोस्तों जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आज हम इस नोवेल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्स बोवेरी नाम के एक लड़के से। ये लड़का अपने टीनेज में है। ये बहुत ही काइंड और पीसफुल टाइप का लड़का है, मतलब अपनी पढ़ाई में ध्यान देने वाला, लेकिन ऑकवर्ड टाइप का भी है। इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, माइल्ड और डल टाइप का है, पढ़ाई में ज़्यादा लगा रहता है। तो जब ये अपने स्कूल में जाता है तो बड़े अजीब टाइप से इसने कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पर लड़के इसका मजाक बनाने लगते हैं इसके स्कूल के। जब ये प्राइमरी स्कूल में था तो इसने खूब मेहनत करके मेडिसिन का कोर्स किया। मेडिसिन का कोर्स करने के बाद मैं एग्ज़ाम पास किया और एक डॉक्टर बन गया। मतलब अब इसकी शादी होनी है, एग्ज़ाम पास करके अब डॉक्टर बन गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो अब इसकी शादी होनी है। इसकी मदर जो बड़ी एक्साइटेड थी इसकी शादी को लेकर, उन्होंने इसकी शादी के लिए एक पैसे वाली मिडिल एज्ड वाइफ ढूंढी। मतलब जिसकी एज इससे बहुत ज़्यादा थी, मिडिल एज थी वो, एलोइस नाम था उसका। ये दोनों जने इन दोनों की शादी हो गई, एलोइस से इसकी शादी हो गई। ये दोनों जने चले गए टॉस्क नाम का एक छोटा सा टाउन था, वहाँ जाकर ये मेडिसिन की अपनी प्रैक्टिस करने लगा। इनकी शादीशुदा लाइफ चलने लगी। अब एक रात इसके पास एक कॉल आता है, एक आदमी की टांग टूट गई थी जिसको सेट करने के लिए इसको बुलाया गया था। तो अब ये गया वहाँ पर, जिस आदमी से ये मिला वहाँ पर उसकी एक बेटी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट टाइप की, एमा नाम था उस लड़की का। ये अक्सर वहाँ पर जाया करता था, लेकिन इसकी वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं थी। अब इसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, चार्ल्स की मिडिल एज वाइफ की डेथ हो जाती है नर्वस एलिमेंट से। अब अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ को एक साल भी नहीं हुआ कि इसने एमा से शादी भी कर ली, एमा के फादर से परमिशन लेकर। अब चार्ल्स अपनी नई वाइफ की रिस्पेक्ट करता था। ये एमा बड़ी एम्बिशियस थी, ये अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो गई थी, बहुत जल्दी बोर हो गई थी, बड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि इस एमा ने बहुत सारी रोमांस नोवेल्स पढ़ी थी, इसका लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत सारी रोमांस नोवेल्स पढ़ी थी, लेकिन वो रोमांस नोवेल्स वाला प्यार इसकी रियल लाइफ में नहीं दिखा इसको। इस बात के लिए वो चार्ल्स को ब्लेम करती थी कि तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं हैं। चलो लुक्स के साथ तो एडजस्ट किया भी जा सकता है, लेकिन तुम बोलते ही अच्छा नहीं हो, बात ही अच्छे से नहीं करते हो, बड़ा डल मैनर है तुम्हारा, बड़े डल मैनर में तुम बात करते हो। अब कोई भी इस बंदे को देखेगा तो बोलेगा कि ये बड़ा काइंड और लविंग हस्बैंड है और ठीक ठाक सक्सेसफुल, अपने काम में सक्सेसफुल भी है, तो और एक वाइफ को चाहिए क्या अपने हस्बैंड से। लेकिन ये सोचती है कि इसके अलावा भी हस्बैंड में बहुत कुछ होना चाहिए। ये हमेशा सोचती रहती है कि मैं एक बेटर लाइफ डिज़र्व करती हूँ, एक एक्साइटिंग लाइफ। अब इस एमा के एम्बिशंस की वजह से ही इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक नए टाउन में जाकर रहेंगे, क्योंकि इस एमा की तबीयत ठीक भी नहीं थी। अब तबीयत में सुधार भी हो तो इसके लिए ये यॉनविल नाम के एक छोटे से फार्मिंग टाउन में चले गए। और अराउंड द टाइम ये प्रेग्नेंट भी हो गई और इसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिस बच्ची का नाम था बर्थ। लेकिन ये अपनी मदरहुड से भी बोर हो गई कि क्या मेरी लाइफ ऐसे ही कटेगी। अब वहाँ पर ये टाउन के लोगों से मिली, कुछ छोटी कास्ट के कैरेक्टर से मिली, लेकिन एमा उनसे भी बोर हो गई। बस एक लियोन नाम का एक क्लर्क था उसको छोड़कर, क्योंकि उस बंदे में इसको इंटरेस्ट आ रहा था, वो बंदा इसकी म्यूज़िक और लिटरेचर के इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रहा था, तारीफ कर रहा था। तो इन दोनों में यही डिस्कशन हुआ, ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। लेकिन ये लियोन लॉ की पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए ये एमा को छोड़कर पेरिस चला गया अपने लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब ये उसे बड़ा मिस करने लगी। फिर एक दिन इस एमा की मुलाकात होती है एक पैसे वाले एरिस्टोक्रेट से जिसका नाम है रडॉल्फी। ये बंदा वुमेनाइजर था और इसने इस एमा को शेड्यूस करने की कोशिश की। इसके साथ एमा का एक लंबा पैशनेट लव अफेयर हो गया। इससे शुरू शुरू में तो इन दोनों को बड़ा जॉय और सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन बाद में ये रडॉल्फी एक्चुअली इस एमा से प्यार नहीं करता था। इसने धीरे धीरे ये एमा से परेशान होने लगा था। तो एमा ने तो इसके साथ भागने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन इसने एमा को एंड मोमेंट पर एक लेटर लिखकर ब्रेकअप कर लिया। एमा को इस बात से बड़ा शॉक लगा। वो कई महीनों तक इस झटके से, शॉक से उभर के बाहर नहीं आ पाए। अब एक मर्चेंट था,
ये उस मर्चेंट का नाम है दोस्तों, ये नाम मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा। इससे ये महंगे महंगे कपड़े और गिफ्ट्स वगैरह उधार लेती थी और इस सब की वजह से इस पर बड़ा हैवी कर्जा हो गया था। एक दिन ये चार्ल्स और एमा जाते हैं एक प्ले देखने के लिए और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है लियोन से, जिस लियोन के साथ पहले ये प्यार में पड़ी थी लेकिन इनके बीच में कुछ हुआ नहीं था। ये पेरिस चला गया था, पढ़ाई करने गया था, अब ये पढ़ाई करके वापस लौट आया और वापस आते ही इसका और एमा का लव अफेयर शुरू हो गया। अब एमा अपने हस्बैंड से पियानो लेसन्स का नाटक करके हर हफ्ते एक बार तो ये इस टाउन में इससे मिलने आती थी लियोन से। इनका लव अफेयर ठीक ठाक चल रहा था और रडॉल्फी की तरह ही इनका लव अफेयर शुरू शुरू में तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये एक दूसरे से डिससेटिस्फाई होते गए। यहाँ दूसरी तरफ एमा के सर पर कर्जा चढ़ता ही जा रहा था। एक दिन इसको एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि तुम या तो अपना सारा कर्जा चुकाओ, अदरवाइज तुम्हारी सारी चीज़ें जब्त कर ली जाएगी। मतलब कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है, बहुत बड़ा कर्जा है। अब ये परेशान, ऐसे में ये लियोन से हेल्प मांगती है तो वो टालता है, हाँ कोशिश करता हूँ, मतलब ऐसी बहानेबाजी करता है। वहाँ रडॉल्फी से मांगती है तो वो तो बड़ा कोल्डली मना कर देता है, वो टालता भी नहीं है, वो डायरेक्टली मना कर देता है कि मैं नहीं कर रहा मदद। अब ये बड़ी कन्फ्यूज़न में, बहुत डरी हुई, ऑफिशियल नोटिस आ गया है। अब ये क्या करती है, एक जस्टिन नाम का बंदा होता है, वो एक असिस्टेंट होता है, वो भी इससे प्यार करता है एक्चुअली, इस एमा से, तो उसके साथ ये लेबोरेटरी में जाकर आर्सेनिक खा लेती है, केमिकल एलिमेंट होता है, और उसकी अगली रात इसकी हॉरिबली डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ के बाद इसका बेचारा पति चार्ल्स, उसकी तो बड़ी मिजरेबल हालत हो जाती है। सबसे पहले तो उसकी डेथ हो गई, दूसरा इतना भारी कर्जा वो अपने सर पर छोड़ कर गई, ये वैसे ही घबराया हुआ था। और एक और चीज़ इसको पता चली, जब एमा का फ्यूनरल हो गया तो उसके थोड़े टाइम बाद इसको पता चला कि एमा ने जो लव लेटर्स लिखे थे वो भी इसको मिल गए कुछ दिनों बाद। तो इतनी सब प्रॉब्लम्स के बीच में इसकी भी कुछ दिनों बाद इसकी चार्ल्स की भी डेथ हो जाती है। अब बचती है इनकी बेटी बर्थ, वो छोटी थी, खैर उसको किसी गरीब रिलेटिव के पास भेज दिया गया ताकि वो इसको पाले, लेकिन उसने इस बच्ची को एक मिल में, कॉटन मिल में काम करने के लिए भेज दिया, उसने भी काम पर लगा दिया बच्ची को। तो इसी के साथ दोस्तों इस नोवेल की स्टोरी ख़त्म होती है। एक रियलिस्टिक नोवेल है ये, जो कि इस नोवेल के राइटर ने बहुत हद तक खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से उठाकर लिखा है इस नोवेल को। तो दोस्तों आई होप आपको ये नोवेल समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।